जी तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम केसरी। और आज केसरी रात, कल रात जब केसरी पहुंचा था तो आपको कुछ दिखा नहीं सका। आज केसरी का टूर करूंगा और मुझे तो ये टाउन बहुत अच्छा लगा है। होटल जो लिया था बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का होटल था। पिछली वीडियो में मैंने एंड करते वक्त आपको बताया था कि होटल मुझे मिला है 2850 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़, 190 लीरा का। तो इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट वो बाद में, उस टाइम इंग्लिश का थोड़ा सा मसला था उसको, बिल्कुल भी रिसेप्शन पे इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पे इंग्लिश का इशू है, तो यहाँ पे नॉर्मली लोग जो है ना वो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलते, बहुत कम, टूटे फूटे वर्ड्स, वो भी बहुत कम लोग, 100 में से 2 लोगों को आती होगी इस तरह की टूटी फूटी। जो लोग टूरिज़म से रिलेटेड हैं उनको फिर भी कुछ आती है। आज अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे रूम की विंडो है, तो आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ, क्या है व्यू इसका, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, चेकआउट हो गया फ्रॉम रियल हाउस होटल केसरी। ट्रेन मेरी है आज रात 1 बजे की, मींस 29 तारीख 1 बजे की रात में, 28 और 29 की जो दरमियानी रात है उसमें। और अभी मैं निकलूँगा, सिटी टूर करूँगा। 2-3 इनके पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक माउंटेन हिल है और एक म्यूज़ियम है और एक किला है, वो देखूँगा, थोड़ा सा सिटी घूमूँगा। और GoPro की बैटरी मुझे एक एक्स्ट्रा लेनी है, थोड़ा सा शक हो रहा है इस पर, तो वो देखूँगा। एक मुझे वो चाहिए था एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो मुझे मिल गई थी रात, मॉल गया था खाना खाने के लिए उसी मॉल से, लेकिन GoPro की बैटरी नहीं मिली। वो सर्च किया है, एक जगह पे है, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ पे होगी, वो गूगल करके उस वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये सारा कुछ करने के बाद फिर 7 बजे मुझे अपनी गाड़ी को ड्रॉप करना है एयरपोर्ट पर, चिगजी के ऑफिस पर। तो देन उसके बाद फिर 2-4 घंटे होंगे ट्रेन तक, 4 घंटे या 5 घंटे होंगे। तो तब तक मैं फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह या इस तरह इधर उधर भटक रहूँगा थोड़ा सा। चलें जी, फाइनली इधर पहुंच गया हूँ। ये एर्चेशायर माउंटेन जो है इनके केसरी के साथ वहाँ पे, और रोड क्या कमाल का रोड है और क्या ज़बरदस्त किस्म का लैंडस्केप है। ऊपर मुझे पहाड़ों पे अभी से ही स्नो नज़र आना शुरू हो गई है। वैसे खैर स्नो हो जाती है इस टाइम पे, दिसंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट है। और अभी गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी की है, पार्क की है, इन्होंने रोड इतना ज़बरदस्त बनाया है, साथ में जो है ना वो ग्रिल्स बना दिए, लेकिन पार्क करने की जगह अभी आई है, तो अभी पार्क करके, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा साइट सीइंग करवा दूँ इस जगह की। जगह का नाम याद रखिएगा एर्चेशायर। जब भी केसरी आए तो जस्ट 60 किलोमीटर है ये, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा माउंटेनियस रीजन है, ऊपर टॉप पे ट्रॉप क्रॉस कर रहा हूँ मैं, दूसरी साइड में उतरने लगा हूँ, होटल्स हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। तो अभी ज़रा आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ।
ओके, तो सीन कुछ इस तरह से हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि जब मैं ऊपर टॉप पे आया तो चूँकि पेट्रोल मुझे गाड़ी आज वापस करनी है तो खाली गाड़ी मिली थी तो खाली ही वापस करनी है। तो देखा गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया था, उसने इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था कि 30 किलोमीटर फर्दर चलेगी और मैं अराउंड सिटी से 60-65 किलोमीटर बाहर आ गया था। तो फिर आगे मैप पे डाला, आगे एक ये सिटी नज़र आया और यहाँ पे आके फ्यूल डलवाया और फ्यूल डलवा के, सिटी नहीं है ये गांव है छोटा सा, और मैं आपको दिखाता हूँ इनका गांव कैसा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गांव। ये देखें जी, ये माउंटेन्स के बीच में है, इस जगह का नाम है उलू समथिंग, अभी मैं देवलेरी जगह का नाम है देवलेरी। तो ये इसकी मेन रोड भी नहीं है, इवन कि मैं मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आबादी की तरफ आया हूँ, चलो जाके देखूँ कि गांव कैसा है और घर कैसे हैं यहाँ पे। तो ये देखें आप, अंदर वाली रोड है, डबल रोड है और इवन के बीच बीच में कहाँ कहीं 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 सिग्नल भी लगे हुए हैं। और वो खड़ी हुई है मेरी गाड़ी, अब तो मैं इसको स्टार्ट ही छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पेट्रोल ख़त्म करना है इसका, मैंने डलवा लिया अब। तो ऊपर उधर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ये बेसिकली इनका स्की रिजॉर्ट है उस साइड पे ऊपर, तो जहाँ पे आप 15-20 दिसंबर के बाद अगर आएंगे तो आपको वहाँ पे स्नो मिल जाएगी। आप पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्की रिजॉर्ट हैं, आप वहाँ पर जाके स्की। चलें जी, टॉप पे अगेन वापस आ गया हूँ। अभी यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं लग रही, उस टाइम बारिश तेज़ हो रही थी जब मैं गुजरा था। फिर पीछे गया हूँ वो करवाया है, फ्यूल टैंक फुल करवाया है वो उसी सिटी से जिसका नाम मैंने आपको अभी पहले बताया है। ये बिल्कुल जो माउंटेन्स है उसका टॉप है, यहाँ पर कुछ पीछे ये देख सकते हैं, पीछे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर 5-स्टार होटल्स भी हैं और इन रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएंगे स्नो पीक्स, स्नो माउंटेन्स मिल जाएंगी। वहाँ पे ऊपर वो भी है चेयर लिफ्ट वगैरह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और सामने छोटे छोटे कैबन्स बने हुए हैं, वहाँ पे बैठ के आप खाना पीना और रोटी छोटी चावल शावल इंजॉय कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेंगे। वो उस पॉइंट पे आप देखें ज़रा, यहाँ पे आपको नज़र आएगी चेयर लिफ्ट ऊपर जाती हुई और ये जाती है वो इस पॉइंट तक यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ से जाकर ये बेसिकली स्की रिजॉर्ट है, तो आप यहाँ से चेयर लिफ्ट से ऊपर चले जाएं, स्की करते हुए फिर आप नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अभी स्नो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो जस्ट ये एक स्की तो नहीं हो सकती, लेकिन जस्ट मेरा ख्याल ऊपर आना जाना ही होगा। चले जी, ये आ गया जहाँ से ये चेयर लिफ्ट ऊपर को जाती है उस साइड पर। अभी जाकर यहाँ से मालूम करता हूँ कि टिकट कितने का है, ऊपर कितना टाइम लगेगा और ऊपर है क्या एक्चुअली जाने वाला, तो वो पता करके फिर आपको अपडेट करता हूँ। मेरा तो ख्याल अगर सस्ता हुआ तो मैं चला जाऊँगा ज़रूर। अब ये आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये वाली जा रही है चेयर लिफ्ट, केबल कार्स हैं या केबल कार्स हैं ये। तो ऊपर वो एक इनका पॉइंट बना हुआ है, शायद वहाँ पे ड्रॉप करते होंगे देन थोड़ी देर घुमा के, जैसे अपने पटरियाटा में पाकिस्तान में होता है, तो देन वापस आप आ सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग भी आ रहे हैं वापस ना बीच में, तो चलता हूँ देखता हूँ क्या है अपडेट इसकी। चलें जी, टिकट ले लिया है, ये मिला है 12 लीरा का एक अडल्ट का और 9 लीरा का बच्चे का। यहाँ से आके आपने टिकट लेना है और उधर ऊपर साइड पर जाएंगे तो आपको
कार में 12 लीरा का टिकट लेकर, और ये ऊपर लेकर जाएगी ऊपर माउंटेन टॉप पे, और वो नीचे मैंने उस जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी की है, और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जहाँ से केबल कार स्टार्ट हुआ है, तो ऊपर तक जा रही है। अब आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ। जी ऊपर पहुंच गया हूं, जहाँ का जो उसकी जिसका केबल कार का ड्रॉप ऑफ पॉइंट था वहां पे, और ये पीछे देख सकते हैं बर्फ है, और अभी स्टिल स्नो हो रही है। आपको शायद मेरी जैकेट पे नज़र आ रही हो, स्नो नहीं है, ये जो मोटा मोटा सा होता है ना बारिश, जमी हुई बारिश जो होती है कि वो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर गिरा हुआ, नीचे बारिश हो रही थी। तो बस इधर फर्दर स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जगह एक तो गीली बहुत है, और दूसरा इतनी कोई ज़्यादा खड़े बैठने की जगह नहीं है, कवर जगह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, वापस नीचे जाऊँगा। जी ये रही जी अपनी गाड़ी, और जल्दी जल्दी से गाड़ी खोलूँ, हीटर चलाऊँ, थोड़ी देर बैठ के सुकून करूँगा, देन उसके बाद आगे मूव करूँगा। चले जी, थोड़ा सा जो एल्टीट्यूड था वो कम हुआ है, और ये सामने जो सिटी था केसरी वो आ गया है, और रोड टेम्परेचर ऊपर था 4-2-3 के करीब, और अभी इस जगह पे आकर 8-9 पे आ गया, और ये सामने रहा केसरी सिटी, और अभी इधर से चलते हुए अराउंड 20 किलोमीटर है, तो नीचे मैं फिर सिटी सेंटर में पहुंच जाऊंगा। तो अब आगे जाकर देखता हूँ कि नीचे क्या है, अभी फ़िलहाल तो बहुत भूख लगी हुई है, भूख का इलाज करके तो फिर जो है ना वो अब आगे का प्लान करूँगा कि आगे क्या करना है। गाड़ी वालों से मैंने बात कर ली फ़ोन करके, मैंने उनको बोला 7 की बजाय अगर मैं रात को 11 बजे के करीब आपको दे दूँ तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करेंगे, तो कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा तो बाकी का टाइम मैं गाड़ी में ही स्पेंड कर लूँगा, क्योंकि सर्दी की वजह से अब बाहर तो नहीं कहीं बैठ सकता, होटल ले नहीं रहा, और गाड़ी में ही वहीं उनकी पार्किंग में लगा कर सो जाऊँगा, और फिर रात को ट्रेन पकड़ के चला जाऊँगा। चलें जी, केसरी सिटी वापस पहुंच गया हूं, और यहां पे पहुंचने के बाद ही बिल्कुल मेरे साथ केसरी फोर्ट है, केसरी किले, और नॉट केसरी किले, केसरी कले। तो अब वो देखने का प्लान है, उसके अंदर उसका एक ग्रैंड बाज़ार भी है, और देन पहले तो जो है ना वो ज़रूरत ये थी, भूख बहुत लगी हुई थी, ऊपर कुछ मुझे स्पाइसी सा खाने को नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चलो नीचे जाके ट्राई करता हूँ। तो खैर ये रेस्टोरेंट एक मिला है, अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन चलो काम चल जाएगा। और गाड़ी की पार्किंग मिलने में मुझे शायद, मेरा ख्याल है कि आधा घंटा 35 मिनट लग गए हैं, मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, इतना ट्रैफिक है सिटी में और इतना रश है। ये कराची सदर में चले जाए ना पार्किंग ढूंढने के लिए, हमें जो है ना 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लग जाते हैं, यहाँ मुझे 30 मिनट लगे हैं। मैंने पूरी गलियाँ इधर उधर घूमे, एक अभी गाड़ी निकल रही थी तो मैं उसके पीछे लगा दी, तो मुझे पार्किंग मिली। तो देखते हैं अब कितने मिनट में खाना आता है, मेरा ख्याल 20-25 मिनट में मिल जाता है इनका खाना। तो खाना खा के फिर जो है ना वो कलह की तरफ जाऊँगा।